तो दोस्तों नॉमिनेशन लिस्ट मेरे हाथ में आ चुकी है खचाखच मसालेदार। इस बार दोस्तों एक दो तीन चार लोग नॉमिनेटेड है दोस्तों। कौन कौन नॉमिनेशन में है दोस्तों? अनुराग, अंकिता, ऐश्वर्या, नील। जी हाँ दोस्तों, अनुराग, अंकिता, ऐश्वर्या और नील। जी हाँ दोस्तों, ये चार लोग नॉमिनेटेड है और इविक्शन नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इविक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि शाहरुख खान आ रहे हैं, क्रिसमस है, तो इविक्शन नहीं होगा। और सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, अनुराग, अंकिता, ऐश्वर्या, नील। अनुराग वोट्स है बहुत उसके, अंकिता नहीं जाएगी, ऐश्वर्या नहीं जाएगी, नील चांसेस है, पर इविक्शन नहीं होगा ना। और अगर होता इविक्शन तो नील ही जाता दोस्तों, है ना, क्योंकि उसको वोट्स कम है ना। बाकी तीन तो बहुत स्ट्रांग है ना। तो नॉमिनेशंस दोस्तों इस बार ऐसे हुए थे, जैसे प्रिंस चार्मिंग जो मेंढक है ना, दो लोग जाएंगे, एक लोग जाएंगे, फिर एक के बिहाफ में दूसरा किसी दो लोग को नॉमिनेट करेंगे, तो दो कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाएगा, है ना। तो जब अनुराग गया था पहले, तो अनुराग ने नील को बुलाया उसके बिहाफ पे नॉमिनेट करने के लिए, तो नील ने ईशा और समर्थ को किया नॉमिनेट, फिर ईशा गई, फिर ईशा के बिहाफ में समर्थ ने किया नॉमिनेशंस अभिषेक और ऐश्वर्या को, फिर अंकिता आई, फिर अंकिता के बिहाफ में विकी ने अभिषेक और ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया, फिर औरा आए, औरा ने आयशा को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, अनुराग और ईशा को किया आयशा ने नॉमिनेट, अनुराग और ईशा को। अजीब लगा मुझे आयशा का गेम, इतना 2 दिन में अनुराग और ईशा उसकी दुश्मन हो गई। ठीक है, आयशा आपा है मेरी। ऐश्वर्या आई फिर, है ना, उसने रिंकू को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट कर, फिर रिंकू ने अंकिता और समर्थ को नॉमिनेट किया, विक्की आया, फिर विक्की ने अंकिता को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, अभिषेक और ऐश्वर्या को किया उसने, फिर अरुण आया, फिर अरुण ने नील को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, फिर नील ने विक्की अंकिता को नॉमिनेट किया, फिर नील आया, फिर नील ने अभिषेक को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, फिर अभिषेक ने समर्थ और अंकिता को नॉमिनेट किया, इसके बाद समर्थ आया, फिर समर्थ ने ईशा को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, फिर ईशा ने अभिषेक और ऐश्वर्या को किया, फिर आयशा आई, आयशा ने मुनावर को बुलाया, प्यार जाग गया फिर से दोस्तों। जी हाँ, आयशा ने मुनावर को बुलाया अपने बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, और मुनावर ने अरुण और ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया। अजीब लगा अरुण से, और अरुण के लिए तो वो लड़ाई कर रहा था ना यूनिटी के लिए। अचानक फिर मनारा आई, मनारा ने अनुराग को बुलाया राइडर को उसके बिहाफ में नॉमिनेट करने के लिए, फिर अनुराग ने मुनावर और अरुण को नॉमिनेट किया। ठीक है, फिर रिंकू आई, रिंकू ने अपने बिहाफ में ऐश्वर्या को बुलाया, ईशा और अंकिता को नॉमिनेट किया ऐश्वर्या ने। तो यहाँ पर किसका नाम ज़्यादा आया? अनुराग का आया, है ना, अनुराग हुआ नॉमिनेशन, आया अनुराग, और अंकिता है, फिर ऐश्वर्या है, फिर नील। ऐश्वर्या का ज़्यादा नाम आया, ऐश्वर्या 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 ऐश्वर्या। अभिषेक का कितना है? एक दो तीन चार, चार बार आया नाम अभिषेक का, और ऐश्वर्या का एक दो तीन चार 5 बार आया ऐश्वर्या का नाम, है ना, उस हिसाब से। फिर अंकिता का नाम भी ज़्यादा आया, अंकिता का आया एक, फिर दो तीन, 3 बार आया ऐश्वर्या का, है ना, एक अंकिता का, एक दो 3 बार आया। फिर यहाँ पर शायद अंकिता भी नॉमिनेट, हाँ 3 4 बार आया अंकिता का नाम, फिर ऐश्वर्या का नाम 4 बार, नील का, नील तो पहले से नॉमिनेट है, तो इसके लिए अनुराग नॉमिनेटेड है दोस्तों, और अंकिता और ऐश्वर्या दोस्तों। अभिषेक बच गया क्या? अभिषेक का नाम भी तो आया, एक दो और 3 3 बार आया अभिषेक का नाम, तो वो बच गया शायद इसीलिए, एक दो तीन नहीं 4 बार आया अभिषेक का नाम, तो अभिषेक बच गया दोस्तों। अजीब लगा मुझे अभिषेक बच गया, है ना। तो अनुराग, अंकिता, ऐश्वर्या और नील नॉमिनेटेड है दोस्तों, लेकिन अगर अभिषेक नॉमिनेटेड भी होता ना तो वो जाता नहीं अभी, क्योंकि वो कंटेंट दे रहा है ना। चलिए अभी आज के एपिसोड का वीडियो में लाऊंगा, अभी 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 नॉमिनेशंस का लाया हूँ। तो अनुराग, अंकिता, ऐश्वर्या और नील नॉमिनेटेड है दोस्तों। थैंक यू, चलिए बाय।